हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आंगनवाड़ी केंद्र रानाड़ी पर सूखा पोषाहार का किया वितरण, गर्भवती धानत्री किशोरी सहित अन्य 94 जनों को किया सूखा राशन का वितरण। कस्बे के सीमावर्ती रानाड़ी गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती धानत्री किशोरी सहित 7 माह से लेकर 6 वर्ष के छात्र छात्रों को सूखा राशन का वितरण किया गया। सूखा राशन का वितरण कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए दूरी बनाए रखने व मास्क लगाते हुए राशन का वितरण किया गया। रानाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रोशन बानू ने बताया कि आदेश अनुसार गांव की आंगनवाड़ी केंद्र पाठशाला में आने वाले 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों को 3 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, वहीं गांव की गर्भवती धानत्री और किशोरी को 2 किलो गेहूं और 1 किलो दाल सूखा राशन का वितरण किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रोशन बानू ने देश भर में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के उपाय की जानकारी देते हुए आपस में 2 फीट की दूरी बनाए रखने, रोजाना हाथों को बार बार सैनिटाइजर से साफ करने या साबुन से अच्छे से हाथ धोने व साफ सफाई रखने और हमेशा घर से बाहर जाते समय मुंह पर मास्क बांधे रखने की अपील की। इस दौरान रानाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत अन्य कुल 94 गर्भवती धानत्री किशोरी व 7 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सूखा राशन गेहूँ और दाल का वितरण किया गया। जागरूक टीवी के लिए रेवदर से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।